फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएस जमशेद खान। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9301914104। आज मैं आपको जिस लॉ के बारे में समझाने वाला हूँ उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। नॉर्मली क्या होता है, आप किसी भी फील्ड का, किसी भी ब्रांच का, जैसे कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि वो लॉ क्या है, क्या रहा है। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो यह इंटरप्रिटेशन वर्ड का एक्चुअल में मीनिंग होता है किसी भी चीज को सही सेंस में समझना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे अभी कह रहा हूं आप कैसे हैं, तो मैंने ये जो वर्ड बोला आप कैसे हैं, आप इसे किस तरह से समझोगे? आइदर शायद मैं आपकी हेल्थ के बारे में पूछ रहा हो सकता हूं, या मैं आपको जज कर रहा हो सकता हूं आप कैसे हैं। तो अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं। तो बहरहाल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी बात को सही तरीके से समझना। अब होता क्या है कि जैसे कोई भी लॉ जब ड्राफ्ट किया जाता है, फ्रेम किया जाता है ना, तो जो लॉ मेकर्स होते हैं, जिन्होंने लॉ लिखा है, जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं, उनका एक इंटेंशन रहता है कि भाई हम जो लिख रहे हैं उसे मैनिपुलेट ना किया जाए और सही सेंस में समझा जाए जैसा हम कहना चाह रहे हैं। तो हम जो बेसिकली लॉ पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। यहां स्टैट्यूट वर्ड का मतलब होता है रिटन फॉर्म ऑफ लॉ। इसको रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर भी कहते हैं। साधारण भाषा में जब आप किसी लॉ को लिख देते हैं तो वो स्टैट्यूट बन जाता है। तो हमें इस टॉपिक में यह समझना होगा कि अगर कोई लॉ लिखा गया है तो उसे सही सेंस में कैसे समझा जा सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी एक मूवी है ये कबीर सिंह, सभी ने देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें एक पर्टिकुलर सीन रहता है जिसमें जो जज होती है कबीर सिंह उनके सामने सच बोल देता है और वो उस पर मेडिकल नेग्लिजेंस का क्या करती है, एक फैसला सुनाती है जिसमें वो कबीर सिंह को कहती है कि कबीर सिंह आपका 5 साल के लिए लाइसेंस कैंसिल होता है और हम आपको पनिशमेंट सुनाते हैं 3 ईयर्स की जेल और फाइन। तो अब आपको यहां समझना होगा कि जब जज ने बोला है 3 ईयर्स की जेल और फाइन, तो यहां पर आइदर कबीर सिंह जेल जाएगा या तो उस पर फाइन लगेगा। तो जैसे कि मूवी में दिखाया गया है कि वो फाइन देकर छूट जाता है। तो यही इंटरप्रिटेशन का बेसिक मतलब होता है कि जैसा लॉ बोला गया है उसे उसी भाषा में समझने की कोशिश करना। अब क्या होता है, जैसे आप इंटरप्रिटेशन करने जाएंगे या किसी लॉ को समझने जाएंगे तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको नेक्स्ट शीट में मैं बता रहा हूं। अब आप देखेंगे अलग अलग रूल्स होते हैं इंटरप्रिटेशन के, जिनमें जो मेन रूल्स होते हैं उनको प्राइमरी रूल कहा जाता है। तो प्राइमरी रूल अलग अलग तरह के हैं, जैसे एक है लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल, इसे गोल्डन रूल भी कहा जाता है और इसे हम लगभग कभी ना कभी यूज करते ही हैं। लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल ये कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर लॉ का सेंटेंस है जिसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग, रिफर टू द डिक्शनरी का यूज कर सकते हो। आप डिक्शनरी का यूज करो, उसे ऑर्डिनरी मीनिंग निकालो, इससे लॉ को समझने की कोशिश करो। आप ऐसा तब तक कर सकते हो जब तक ये एब्सर्डिटी ना हो जाए, मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में ना चला जाए या इसका कोई और रॉन्ग परसेप्शन ना निकल जाए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक सेंटेंस है नेमो डैट कोड नॉन हैबिट। अब एक बंदा, उसने कभी लॉ पढ़ा नहीं था, अब उसने नेमो का मतलब ढूंढा गूगल में तो उसको मिल गया नरेंद्र मोदी, तो पहले ही वर्ड से गड़बड़ हो गई। अब आगे जाके आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो क्या इंटरप्रिटेशन करेगा। वैसे नेमो डैट कोड नॉन हैबिट का मतलब होता है नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। कोई उससे ज्यादा ओनरशिप किसी को नहीं दे सकता जितनी उसके खुद के पास होती है। तो आपको मैं फिर एकदम समरी वे में बताऊं तो लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है लॉ को समझने के लिए जनरल डिक्शनरी मीनिंग का यूज करो। आप ऐसा तब तक करो जब तक एब्सर्डिटी ना आ जाए या फिर मीनिंग नॉनसेंस ना हो जाए। जब आपको ऐसा फील होने लग जाए तो आप अपना समझना छोड़ दो। नेक्स्ट रूल जो होता है वो होता है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का रूल, जो ये बोलता है कि इंस्टेड ऑफ डिक्शनरी मीनिंग पे जाओ, आप अलग अलग सोर्सेस से लॉ को समझने की कोशिश करो, सबसे सेंसिबल मीनिंग ढूंढो और डिक्शनरी पे पूरी तरह से डिपेंड मत रहो। तो आप देखोगे तो लिटरल रूल का जो कंट्राडिक्शन है वो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में दिया गया है। यहां कंस्ट्रक्शन जो वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझना। तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कहता है कि भाई बहुत सारे सोर्स ढूंढो जो सेंसिबल मीनिंग दे, और लिटरल कंस्ट्रक्शन कहता है कि ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग ढूंढोगे तो भी चलेगा। तो एक बार रिवाइज करते हैं, लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल कहता है जनरल डिक्शनरी मीनिंग देखो, और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कहता है बहुत सारे सोर्सेज देखो और जो सेंसिबल मीनिंग है वो ढूंढ के लॉ को समझो।
नेक्स्ट उसके बाद जो रूल आता है उस रूल को बोलते हैं मिसचीफ रूल, और ये केस पर बेस है जिसे हेडन्स रूल भी कहा जाता है। हेडन्स रूल भी कहा जाता है जैसा कि आप देखेंगे। तो मिसचीफ रूल या हेडन्स रूल बेसिकली ये कहता है कि अगर आपको किसी के लॉ को बेस्ट वे में समझना है तो आप प्रीवियस लॉ को, पुराने लॉ को स्टडी कर लो, उसके लूप होल्स को स्टडी करो, तो आपको समझ आ जाएगा कि नया लॉ क्यों बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो आज कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं उसमें देखेंगे कि बहुत हैवी पेनल्टीज लगती है, ₹500,000, ₹1,00,000। कारण क्या है? तो आप 1956 जरा देखेंगे ना, उसमें आप देखेंगे पनिशमेंट का अमाउंट बहुत कम था, जिसको लोगों ने मजाक समझ लिया था। इस डेफिशिएंसी को दूर करके कंपनीज एक्ट 2013 में पनिशमेंट का अमाउंट बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट जो रूल होता है उसको जस्टम जेनरिस का रूल बोलते हैं। जस्टम जेनरिस का रूल का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, एक जगह पर एक जैसा। ऑफ द सेम काइंड कहने का मतलब यह है कि अगर एक सेंटेंस में कोई टेक्निकल वर्ड है जिसके पीछे कुछ जनरल वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपको उन जनरल वर्ड्स से उन टेक्निकल वर्ड्स का मीनिंग निकालना होगा। जैसे एक जगह लिखा है कैवेट एक्टर, आगे लिख दिया डेट इज लेट द बायर बी वेयर, तो यहां पर आपको समझना होगा कि कैवेट एक्टर का मतलब है लेट द बायर बी वेयर। अब हर जगह अगर कैवेट वर्ड आ रहा है तो आप लेट द बायर बी वेयर वर्ड यूज नहीं कर सकते, वो उसी सेंटेंस में था और आपको वहीं पर समझना होगा। नेक्स्ट रूल जो होता है उसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल कहते हैं। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल बेसिकली ये कहता है कि जब आप किसी लॉ को समझने जाओगे तो आप उसे शुरू से आखिरी तक पूरा पूरा पढ़ दो, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, और अगर कहीं कोई कंफ्लिक्ट आता है सेक्शन में तो क्योंकि आपने पूरा लॉ पढ़ा है और समझा है तो आपको लॉ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक बार मैं सारी चीजों को आपको वापस रिवाइव करा दे रहा हूं। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है लॉ को सही तरीके से समझना, स्टैट्यूट मतलब होता है रिटन फॉर्म ऑफ लॉ, इसके कुछ रूल्स हैं जैसे लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल बोलता है डिक्शनरी का यूज करो, ऑर्डिनरी मीनिंग का यूज करो, ऐसा तब तक करो जब तक एब्सर्डिटी या रॉन्ग मीनिंग ना आ जाए। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कहता है सेंसिबल मीनिंग का यूज करो, डिक्शनरी पे ज्यादा डिपेंड मत रहो। मिसचीफ रूल कहता है पुराने लॉ को पढ़ो, उसके लूप होल्स को जानो, नया लॉ समझ आ जाएगा। जस्टम जनरिस कहता है एक जैसा, जहां टेक्निकल वर्ड है पीछे जनरल वर्ड दिया उसको वहीं पे समझो। और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है कि पूरे लॉ को शुरू से आखिरी तक पढ़ लो, हार्मनी बिठाओ सेक्शंस के बीच, तो इससे क्या होगा, ना आपके मन में कंफ्यूजन होगा ना ही किसी तरह का कंफ्लिक्ट होगा। तो आई होप आपको इंटरप्रिटेशन की समरी समझ आई होगी। रूल्स और भी हैं, अगर आपको और रूल्स के बारे में जानना हो आप बिल्कुल कमेंट करें, मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।